बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 4.3 का ये लेक्चर नंबर 2 है, जबकि यूनिट नंबर 4 का ये लेक्चर नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हम करेंगे सिंपलीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। डियर स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट पार्ट हमारे पास है स्केयर रूट 45 माइनस 3 स्केयर रूट में 20 है प्लस 4 स्केयर रूट में 5 है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये स्केयर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं इनके फैक्टर्स बना लेंगे। 45 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो हमारे पास बनेंगे 3 × 3 × 5। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह 20 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो बनेंगे 2 × 2 × 5। 5 का फैक्टर 5 ही रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम गौर करें तो ये 3 को 3 से मल्टीपल करें तो इसे 3 का स्केयर भी लिखा जा सकता है। इसी तरह इस 2 को 2 से मल्टीपल करें तो 2 का स्केयर लिखा जा सकता है। ये दोनों वैल्यूज़ को मिलाकर स्केयर लिखा जा सकता है, इन दोनों वैल्यूज़ को मिलाकर इसे भी स्केयर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, यानी अगर कोई स्केयर हो उसके ऊपर स्केयर रूट भी हो तो वो स्केयर रूट से बाहर आ जाता है, क्योंकि 5 के ऊपर स्केयर नहीं है, ये स्केयर रूट के अंदर ही रहेगा। इसी तरह ये 3 पहले से ही बाहर मौजूद है और ये 2 जो है स्केयर रूट से बाहर आ गया, और ये बाकी वैल्यू वैसे लिख दी हमने। ये 3√5 माइनस 3 × 2 स्केयर रूट 5 प्लस 4√5 हमारे पास बन गया। नेक्स्ट स्टेप पे पहली वैल्यू वैसे ही आ गई, दूसरी टर्म में हमने 3 को 2 से मल्टीपल करके लिख दिया, तो ये आ गया 6√5। ये 4√5 भी वैसे ही लिख दिया हमने। अब हमने √5 तीनों में मौजूद है तो √5 को हमने कॉमन ले लिया, इसे हम राइट साइड पे कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो नंबर होता है बगैर स्केयर रूट के वो राइट से लेफ्ट साइड पे लिखा होता है, जो स्केयर रूट वाला नंबर होता है वो राइट साइड पे, लिहाजा हमने इसको राइट साइड पे कॉमन ले लिया। हम लेफ्ट साइड पे भी कॉमन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 − 6 + 4 ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया और ये √5 बाहर आ गया, ये एज ए कॉमन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इनको हमने जब कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई किया, 3 में 4 ऐड किया 7 आ गया, 7 में 6 − 1 आ गया, बाहर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये आ गया √5। सेकेंड पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, 4√12 प्लस 5√27 माइनस 3√75 प्लस 3√300। डियर स्टूडेंट्स, इसके भी हम फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टर्स आप खुद भी बना सकते हैं, वैसे मैंने नेक्स्ट पेज पर इसके फैक्टर्स बनाकर भी दिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम 12 के फैक्टर बनाएंगे तो आएगा 2 × 2 × 3, 27 के 3 × 3 × 3, 75 के 3 × 5 × 5, और 300 के आएंगे 2 × 2 × 5 × 5 × 3। डियर स्टूडेंट्स, इनमें अगर हम गौर करें तो ये 2 × 2 को हम 2 का स्केयर लिख सकते हैं, 3 × 3 को 3 का स्केयर लिख सकते हैं, 5 × 5 को 5 का स्केयर लिख सकते हैं, 2 × 2 को 2 का स्केयर और 5 × 5 को 5 का स्केयर लिख सकते हैं। बाकी सारी वैल्यूज हमने वैसे लिख दी। डियर स्टूडेंट, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया तो ये 4 पहले से बाहर मौजूद है, ये 2 भी स्केयर रूट से बाहर आ गया और स्केयर रूट के अंदर सिर्फ स्केयर रूट के अंदर वैल्यू रहेगी 3। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह ये 3 भी स्केयर रूट से बाहर आ गया, जबकि ये 3 जो है ये स्केयर रूट के अंदर ही रहा, ये 5 स्केयर रूट से बाहर आ गया और ये जो 3 स्केयर रूट के अंदर ही रहा, ये 2 भी स्केयर रूट से बाहर आ गया और 5 भी स्केयर रूट से बाहर आ गया, जबकि ये 3 स्केयर रूट के अंदर ही रहा। डियर स्टूडेंट्स, ये 4 जो है ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा तो 8√3 आ गया, ये 5 3 से मल्टीपल हो गया तो 15√3 आ गया, ये 3 5 से मल्टीपल हुआ तो ये 15√3 आ गया माइनस का, ये 2 को 5 से मल्टीपल किया तो ये 10√3 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इन सब में से √3 जो है वो कॉमन आ सकता है, तो हमने उनको कॉमन ले लिया, तो अब हमारे पास वैल्यू बन गई 8 + 15 − 15 + 10। ये 15 को मैंने 15 से कैंसिल कर दिया है और ये 8 को जब 10 में ऐड किया तो 18 आ गया, तो ये आंसर आ गया 18√3। डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट अब हम देखेंगे √3 × 2√3 प्लस 3√3। डियर स्टूडेंट्स, ये √3 जो है ये अंदर दोनों टर्म से मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो ये √3 को जब हम अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो देखिए क्या होता है, ये √3 के साथ कुछ नहीं नज़र आ रहा, बाहर तो 1 होता है, तो डियर स्टूडेंट्स √3 के बाहर जो 1 है वो इस 2 से मल्टीपल होगा तो 2 × 1 = 2 ही आ जाएगा, और √3 जो है √3 से मल्टीपल होगा तो दो वैल्यूज एक जैसी मल्टीपल हों तो उसका स्केयर आ जाता है, यूं ये आ गया 2√3 का स्केयर। डियर स्टूडेंट, इसी तरह ये √3 जब इस वैल्यू से मल्टीपल हुआ तो 3 वैसे ही आ गया
और ये स्केयर रूट थ्री, स्केयर रूट थ्री से मल्टीपल हुआ तो ये स्केयर रूट थ्री का स्केयर आ गया। डियर स्टूडेंट ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया और ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया। यू हमारे पास ये टू ब्रैकेट में हमने थ्री लिख दिया तो ये टू मल्टीपल बाय थ्री बन गया। इसी तरह ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो गया, ये थ्री आ गया तो ये थ्री इंटू थ्री बन गया। अब ये टू और थ्री मल्टीपल होकर सिक्स आ गया और ये थ्री थ्री से मल्टीपल होकर नाइन आ गया। दोनों को हमने ऐड किया तो 15 हमारा आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर फोर है तो डियर स्टूडेंट्स 2 इंटू सिक्स स्केयर रूट फाइव माइनस थ्री स्केयर रूट फाइव। अब हम 2 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो ये 12 स्केयर रूट फाइव बन जाएगा। इस 2 को इस 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, स्केयर रूट फाइव वैसे ही आ जाएगा। स्केयर रूट वाली वैल्यू स्केयर रूट से मल्टीपल होती है और स्केयर रूट के बाहर वाले वाला नंबर स्केयर रूट के बाहर वाले नंबर से मल्टीपल होता है। क्योंकि यहाँ पे कोई स्केयर रूट के बाहर वाला नंबर स्केयर रूट वाला नंबर मौजूद ही नहीं है तो सिर्फ ये 2 ही इन 2 6 से मल्टीपल होगा और ये 2 3 से मल्टीपल होगा। यू हमारे पास आ गया 12 स्केयर रूट 5 माइनस 6 स्केयर रूट 5। डियर स्टूडेंट्स इसमें से स्केयर रूट 5 दोनों में कॉमन है तो ये आ गया 12 माइनस 6 और ये ब्रैकेट के बाहर हमने लिख दिया स्केयर रूट 5। 12 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 6 स्केयर रूट 5। डियर स्टूडेंट्स ये फैक्टर्स मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के जो हैं वो बना दिए यहाँ पर। ये 12 जो है उसके फैक्टर्स बना दिए गए हैं, ये 27 के बना दिए गए हैं, ये 300 के बना दिए गए हैं और ये 75 के फैक्टर्स बना दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा।